घर से निकल चुके हैं और आधा शायद रास्ते पहुंच भी गया है और जा रहे हैं मिलने के लिए दोस्तों राधा राज से। पुलिस थाने पे किन्नरों वाला हुआ था, आज भी शायद ऐसा कुछ हो तो मत करिए, सच सामने आ जाने दीजिए। तो दोस्तों गोरखपुरिया भौजी और राधा राज में हुआ लड़ाई, क्योंकि राधा राज और गोरखपुरिया भौजी एकदम गुस्से से लाल हैं, क्योंकि वो लोग गए हैं आपस में भेंट मुलाकात करने, क्योंकि सच्चाई का पता लगाने और समझौता करने, क्योंकि राधा राज जी का कहना है कि स्ट्राइक मरवाने वाली गोरखपुरिया भौजी हैं, उनके ही वजह से चैनल हम लोग का डिलीट हुआ है, मतलब राधा राज जी कह रही हैं। तो गोरखपुरिया भौजी जब सुनी है तो उनको मतलब खलबली मच गई, वो जा रही हैं अयोध्या, वहाँ पर वो लोग मिलेंगे। और हमें तो लग रहा है जिस गुस्से से वो गई हैं, जिस गुस्से से राधा राज जा रही हैं मिलने के लिए, हमें तो लग रहा है कि लड़ाई तो होगी पक्का ही, क्योंकि दोनों तरफ आग एक ही जैसी लगी है, उतना ही बराबर आग है। देखते हैं आखिर क्या होता है, उन लोगों में समझौता होता है या लड़ाई होता है। और क्लेम किया जा रहा है कि गोरखपुरिया भौजी ही हैं राधा राज का चैनल डिलीट कराने में, उनका ही हाथ है। और बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं, पब्लिक भी बोल रही है कि गोरखपुरिया भौजी नहीं चाहती हैं कि हमसे कोई ऊपर जाए। तो यही सब तमाम बातें हैं और गोरखपुरिया भौजी अपना मतलब कि सच्चाई सामने लाने के लिए और अपना अपने को सच साबित करने के लिए वो जा रही हैं अयोध्या राधा राज के पास। और राधा राज वहाँ पे अयोध्या पे चंदा भाभी के साथ में है शायद, और गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि चंदा भाभी हमारी दुश्मन है, मतलब वो चंदा भाभी जो है वो गोरखपुरिया भौजी के साथ दुश्मन है। कंट्रोवर्सी उन लोगों में चलता है, कंट्रोवर्सी चलता रहता है, तो अपना सफाई देने के लिए गोरखपुरिया भौजी गई है। और राधा राज बोल रहे हैं कि मैं पूरा सबूत दूंगी, अब क्या सबूत मिलेगा। और वहाँ पर दोनों हम सुने थे, थोड़ा सा क्लिप सुने थे, राधा राज जी सुनाई थी शायद, वीडियो में बनाई थी और मोबाइल में रिकॉर्ड था तो सुनाई थी, थोड़ा सा तो हम भी सुने थे, और आगे क्या होगा आप लोग को सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो दोस्तों ये यूट्यूब पे इस समय पूरा हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस यूट्यूबर का 3-3 चैनल डिलीट हो जाए एकदम जड़ से, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा। वो तो भाई चुप नहीं रहेगा, ये तो हम भी कहेंगे। और दोस्तों हम तो बस यही कहेंगे हाथ जोड़कर सभी लोग से, कि सभी यूट्यूबरों से, कि आप लोग किसी को देखकर जला मत करिए, क्योंकि सब लोग अपने मेहनत से खड़ा होते हैं, और सबको सपोर्ट करिए, जलने की वजह सपोर्ट करिए, क्योंकि आप अपने घर से तो पैसा देते नहीं, वो मेहनत करता है, यूट्यूब से पैसा आता है, मेहनत देखेगा तभी तो यूट्यूब पैसा देगा। तो आप लोग मत ऐसा करिए, किसी का चैनल वैनल मत डिलीट करवाइए और कुछ भी, आपस में मिल कर रहिए। किसी के चैनल के ऊपर फेंक स्ट्राइक न दीजिए, किसी के चैनल के साथ खिलवाड़ मत करिए, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। जो चैनल खड़ा किया पैसा कमाने के लिए, वो समझिए कि उसका लाइफ है, उसका जिंदगी, उसी से उसका रोजी रोजगार चलता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। हमें तो बहुत बुरा लगा है, हम तो सुने हैं कि राधा दी का चैनल वो भी 3-3 डिलीट हो गया, तो हमें बहुत बुरा लगा है और बहुत हम सोचने लगे कि बताइए किसी का एक चैनल कुछ हो जाता है तो कितना उसको टेंशन हो जाता है, रोने लगता है, खाना पीना छोड़ देता है। और राधा दीदी का तो 3-3 चैनल डिलीट हो चुका है। और दोस्तों वो बहुत अच्छी हैं, सबका सपोर्ट करती हैं, मैं तो इतना जानती हूँ कि उनके पास कोई चला जाता है तो खाली हाथ नहीं आने देती हैं, बहुत अच्छी हैं। क्योंकि हम लोग भी हम गए थे दिल्ली में, एक मीटअप रखी थी राधा राज, तो उनके यहाँ गए थे तो बहुत फुल सपोर्ट की थी। और किसी के चैनल पे स्ट्राइक कहा जाता है तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, तो बताइए जिसका चैनल यूट्यूब से डिलीट हो जाएगा उसके ऊपर क्या बीतेगा, वो भी 3-3 चैनल, वो भी 3-4 साल का मेहनत। तो बस हम लोग का यही राय है, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर हैं तो हम लोग को भी नहीं रहा है। दोस्तों पहले तो हम लोग किसी के ऊपर बनाते नहीं है वीडियो, बट हम लोग को रहा नहीं गया है, इसीलिए बस मजबूरी में बनाए हैं वीडियो, नहीं तो आप लोग देखिएगा हमारे चैनल पे हम लोग बहुत दिन से ब्लॉग और कुछ भी नहीं डालते थे, बट इस समय हम लोग को रहा नहीं गया, इसीलिए बस अपना जो दिल में था वो आप लोग से को शेयर कर दिए। तो चलिए दोस्तों अब क्या होता है, अयोध्या वो दोनों लोग जाते हैं, मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है अपडेट देंगे। इस पर आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।